उबली में वाणी चल रही थी। 14 अक्टूबर 1966 तीसरे पेज के मध्यांक में और बात चल रही थी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा से पहले प्रजापिता क्यों लगा दिया है? क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही होता है, सारी प्रजा का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि, और उस सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एक प्रजापिता। जब तक ये मनुष्य सृष्टि है तब तक इस सृष्टि पर प्रजापिता मौजूद रहेगा। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है मनुष्यों का। आज में भी बीज होता है और अंत में भी बीज होता है। मध्य में बीज गुप्त हो जाता है मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? साकार है। तो साकार मनुष्य सृष्टि का बीज भी कैसा होगा? साकार ही होगा। आत्माएं निराकार है या साकार? निराकार है। आत्माओं का बीज बाप भी निराकार होगा। आत्माएं अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। जो अविनाशी मनुष्य आत्माओं का बाप है वो भी अविनाशी। अंतर है। क्या अंतर है? वही अंतर है जो भक्ति मार्ग में द्वापर के आज में जो मनुष्य गुरुओं ने वेदवाणी लिखी ब्रह्मा की चार भुजाओं में चार वेद दिखाते हैं। उनमें मुख्य वेद का नाम है ऋग्वेद। उसमें एक मुख्य ऋचा आई है जिसमें बताया गया है द्वासुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्तु जाति। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में इस सृष्टि रूपी वृक्ष में दो विशेष आत्मा रूपी चिड़िया बैठी हुई। एक आत्मा भोक्ता है और एक आत्मा अभोक्ता है। इससे सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो सब भोक्ता है। भोक्ताओं का बाप भी भोक्ता होगा। मनुष्य आत्माओं की बात हो रही है, जीव आत्माओं की बात हो रही है जो जीवन में आती है फिर मृत्यु को भी पाती है। उन जीवात्माओं का बाप भी
भोक्त है। और एक ऐसी आत्मा भी बैठी हुई है जो अभोक्त है, वो सिर्फ एक ही है, उसकी तुलना किसी दूसरी आत्मा से नहीं की जा सकती। जो भोगी होता है, भोक्ता होता है, वो पहले अपना कल्याण करता है। क्या? जो भोगी होता है वो पहले अपना कल्याण करता है, और जिसको भोगना ही नहीं है, अभोक्ता है, वो सबका कल्याण करता है। अपने कल्याण की उसे कोई चिंता नहीं है। जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है उसका नाम है शिव। वो कभी अकल्याण करता ही नहीं। अभोक्ता है इसलिए भोगने वाली इंद्रियां भी उसको नहीं है। और जो भी जीवात्मा है उन सुखों को कुछ न कुछ है, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार, किसी को दस इंद्रियां, वो इंद्रियों से भोग भोगती है। जिसको इंद्रियां नहीं उसको अपना शरीर भी नहीं, रथ भी नहीं, अपना रथ नहीं। जब अपना रथ ही नहीं तो स्वार्थ कहां से आवेगा? आवेगा? आ ही नहीं सकता। और ये बात भी मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दी, यहां संगम युग की ही यादगार। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, सबकी ये रीति है कि स्वार्थ के आधार पर सब प्रीति करते हैं। स्वार्थ है क्योंकि उनको अपना रथ है, और सिर्फ सुप्रीम सोल को अपना रथ है कि नहीं। तो स्वार्थ के लिए वो कोई कार्य करता ही नहीं, जो भी करता है परमार्थ के लिए करता है। जो वाचा बोलेगा, अब बोलेगा कैसे, मुख तो है ही नहीं। मुसलमान लोग कह देते हैं अपनी पुस्तकों में, व्याख्या भी करके सुनाई देते हैं, अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब फरमाएगा तो मुख से ना, या आसमान से आकाशवाणी आती, जैसे हिंदुओं ने लिख दिया शास्त्रों में आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी नहीं होती है, आकाशवाणी का मतलब सबसे ऊंची वाणी। क्या उसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। वो आकाशवाणी चलाने वाला बलि शक्ति के कल्याण के लिए ऊपर से नीचे आ गए, ऊंची स्टेज को छोड़ देता है, कहां आता है नीचे स्टेज में आता है। और नीचे स्टेज में आकर के जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है और जो नीचे 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 पाठधारी है, क्या इस धरती रूपी रंगमंच का ऐसा हीरो पाठधारी है जो ऊंच से ऊंच पाठ भी बजाता है, और कलयुग के अंत में नीच से नीच भी पाठ बजाता है। सत्य के आज में सर्वगुण संपन्न सोला करा संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नर नारायण बनता है। क्या बनता है? नर से डायरेक्ट नारायण।
नर से बीच में प्रिंस भी नहीं बनता कि नर शरीर छोड़ करके पहले प्रिंस बने फिर नारायण बने बड़ा होकर, नहीं। इसी जीवन में नर और इसी जीवन में नारायण, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? भक्ति नायक की गीता में भी दिखाया है, नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बने, और नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जो नारी से नारायणी बनी। बनी तो क्या अपने आप नहीं, डॉक्टर बना तो, इंजीनियर बना तो, वकील बना तो, क्या अपने आप बन गया या पढ़ाई पढ़ के बनते? ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी शक्ति पर आकर के पढ़ाई पढ़ाता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वकालत की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। ये एक जन्म की पढ़ाई है, और उस एक जन्म में भी उन पढ़ाइयों से प्राप्ति हो या न हो, लेकिन सुप्रीम सोल बाप शिव ऐसी पढ़ाई आकर के पढ़ाता है कि किसी एक जन्म की पढ़ाई से नर से नारायण जैसा बना देता है। कोई कहे ये कैसे हो सकता है कि इसी जन्म में हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे? भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्म अंतर साथ करते हैं, तब कहीं एक जन्म जाकर के 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का मिलता है, फिर मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करते हैं तो नरसिंहारायण बन सकते हैं। कोई पक्का नहीं है कि सब बन ही जाए। यहां बात कहते हैं, मैं जो दुनिया स्थापन करता हूं उस दुनिया में सब नरनारायण होंगे, ऐसे नहीं बनेंगे नरनारायण कि डॉक्टरी इस जन्म में पढ़े और उनसे कह दिया जाए अगले जन्म में तुम डॉक्टर बन जाना। ऐसी डॉक्टर की पढ़ाई कोई पढ़ेगा? इंजीनियर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाने वाला भी इंजीनियर होता है और पढ़ने वाला भी इंजीनियर बनता है। यहां पढ़ाने वाला कहता है मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं नारायण देव का देवता भी नहीं हूं। क्या? मैं नारायण जैसा देवता भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ नर से नारायण बनने वाली आत्मा में प्रवेश करता हूं। किसमें प्रवेश करता हूं? जो इस सत्य रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी, आप हीरो होगा तो हीरोइन भी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, जरूर होगी। तो इस शक्ति रूपी रंगमंच के दो आत्माएं प्रसिद्ध हैं हीरो हीरोइन के रूप में, एक राम और एक कृष्ण। राम के बारे में बोला है यज्ञ के आज में फेल हो गया। क्या बोला? यज्ञ के आज में फेल हो गया, अभी वर्तमान में फेल हो गया या भविष्य में फेल होने वाला है ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? आज में फेल हो गया। अब आज में फाइनल परीक्षा में फेल हो गया या तिमाही छमाही परीक्षा में फेल हो गया, मासिक परीक्षा में फेल हुआ,
फाइनल एग्जाम में फेल हो गया क्या? नहीं, फाइनल एग्जाम तो अभी भी नहीं हुआ पूरा, फाइनल एग्जाम तो आउट कर दिया बाबा ने, प्रश्न आउट कर दिया क्या? नष्टो मोहा एक प्रतिलब्ध, इसका रिजल्ट अभी तक भी निकला नहीं, बड़े तीन सीट फिक्स कर दी है, ब्रह्मा कौन, वर्तमान में विष्णु कौन और वर्तमान में शंकर का पाठधारी कौन, वो आदि नहीं थे तीनों पाठधारी, क्योंकि बाप कहते हैं शिव बाप, मैं अकेला नहीं आता हूं, अगर मैं अकेला आता तो मेरी शिव जयंती गाई जाती थी तो, लेकिन मैं कहता हूं शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्यों? क्योंकि जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार आत्मा का मनाया जाता है? निराकार आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के टाइम कोई जन्मदिन मनाया जाता है क्या? जन्मदिन थोड़े साबित होता है, तो ऐसे यज्ञ के आदि में निराकार शिव सुप्रीम सोल तीन मूर्तियों के द्वारा आया तो साथ में, एक सत्यरूपी रंगमंच पर आया लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गुप्त रहा, उसको जन्मदिन नहीं कहेंगे, जयंती नहीं कहेंगे। अगर कोई तथाकथित ब्राह्मण शिव जयंती मनाते तो वो भक्ति मार्ग वालों की देखादूनी झूठी शिव जयंती मना लेते, जैसे भक्ति मार्ग वाले हजारों साल से शिव जयंती मनाते आए हैं माघ मास की रात्रि में, ऐसे वो भी मना लेते हैं, लेकिन वास्तव में शिव जयंती सन 36 में 37 में यज्ञ के आदि में नहीं हुई, वो तो सिर्फ सुप्रीम सोल शिव तीन मूर्तियों के द्वारा आया, जैसे गर्भ में आत्मा आती है जन्म नहीं लेती, गुप्त रहती है, वो आई हुई शिव सुप्रीम सोल आत्मा सभी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है, उसके लिए अव्यक्तवाणी में बता दिया प्रत्यक्षता वर्ष सन 76, है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, अम्मा का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों नहीं कहा? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों कहा? अरे बच्चों के सामने पहले माँ प्रत्यक्ष होती है, बच्चे जन्म लेते हैं ना, गुप्त गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है फिर बच्चा जन्म लेता है, तो पहले माँ को पहचानता है या बाप को पहचानता है? माँ को पहचानता है, तो सन 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया, माँ का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों नहीं घोषित किया? कोई कारण होगा, क्योंकि बच्चों के सामने माँ तो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही दूध ढूंढने लगता है, पहली पहली प्राप्ति ज्ञान दुग्ध की माँ से होती है, बच्चे का जन्म माँ से होता है, बच्चा माँ को स्वतः ही पहचान लेता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा नाम क्या पड़ा? सच्ची की बड़ी माँ, ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर नाम पड़े, ऐसा
ऐसा एक भी नाम नहीं है जो काम के आधार पर नाम न पड़ा हो। तो ब्रह्मा नाम जो पड़ा है वो भी उनके काम के आधार पर पड़ा। क्या काम किया? माँ के द्वारा ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई, क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्राह्मणों में नंबरवार पुरुषार्थ संसार पवित्रता को पालन करने वाले ब्राह्मण तैयार हुए। नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की नौकुरियां नंबरवार गाई हुई। ये कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। दुनिया में 10 बड़े बड़े धर्म है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो बने हिंदू, इस्लामवंशी बौद्धवंशी क्रिश्चियनवंशी आदि आदि 10 धर्म, रशिया के नास्तिक धर्म तक। उन 10 धर्मों में से नास्तिक धर्म को निकाल दिया जाए किंतु वो आस्था नहीं रखता, ना आस्था इसके ऊपर, ना भगवान को मानता है, ना आत्मा को मानता है, ना स्वर्ग को मानता है, ना नरक को मानता है। महाअहंकारी धर्म है, अपने अहंकार के जोश में आकर के एटम बम तैयार कर लेते हैं अपना ही विनाश करने के लिए। जो अपना ही विनाश करे और सारी दुनिया का विनाश कर दे उसको प्राप्ति नहीं कही जा सकती। तो एक धर्म को निकाल लिया, बाकी रह गए नंबरवार 9 धर्म। उन 9 धर्मों के जो 9 मुख्य धर्म पिता हैं और उन धर्म पिताओं के जो 9 मुख्य आधार हैं, क्योंकि परम धाम से जो आत्मा आती है धर्म पिताओं की, वो पवित्र शरीर में प्रवेश करती है या अपवित्र में? अपवित्र शरीर में प्रवेश करती है। जैसे सुप्रीम सोल शिव भी आता है तो सच रूपी रंगमंच की पतित से पतित आत्मा में प्रवेश करता है। क्या बोला? मैं बड़े से बड़े कामी काटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं, कमल का फूल। कमल का फूल किंग फ्लावर कहा जाता है, कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से पूरा अपराम होकर रहता है। वो उपराम रहने वाली आत्मा शरीरधारी की आत्मा नहीं होती है। किसकी होती है? जिस शरीर में वो प्रवेश करता है वो उपराम का पाठ बजाती है क्या? कौन बजाता है? वो अभोक्ता है। कौन? सुप्रीम सोल शिव उसमें उपराम का पाठ बजाते। जैसे कि ब्रह्मा में बड़ी मां के रूप में सहन शक्ति का पाठ कितने बजाया? सुप्रीम सोल ने बजाया या ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ने बजाया? सुप्रीम सोल ने बजाया। अगर ब्रह्मा और कृष्ण की सोल में सहन शक्ति का पाठ होता तो पिछले 63 जन्मों में भी वो इतनी सहन शक्ति का उदाहरण देता और सारी शक्ति को सहन शक्ति के आधार पर अपने प्यार में बांध लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संगम युग में जितने भी गुण हैं ब्राह्मण बच्चों के अंदर और जितनी भी शक्तियां हैं ब्राह्मण बच्चों के अंदर, जितनी भी सेवा करने की शक्ति है ब्राह्मण बच्चों के अंदर,
वो किसकी शक्ति है? वो शक्ति सेवा करने की, गुणों की और अनेक प्रकार की शक्तियां धारण करना, ये है किसकी सिद्ध? सिर्फ सुप्रीम सोल की है। कोई कोई अहंकारी बच्चे होते हैं, वो समझते हैं हमने सेवा की। अरे हम तो तमो प्रधान आत्मा बन चुके, हम कहां से सेवा करेंगे? सत्युग आज से नीचे गिरते गिरते अब तक हम क्या बन गए? पावरी मिसल बन गए। अब तक भी 70 साल होने जा रहे हैं, अब तक भी कौड़ी याद आती रहती है। और फिर कोई कहे कि हम तो पवित्र बन गए, हम देवता बन गए, तो ये अहंकार नहीं है तो क्या है? नहीं, इस समय हम बच्चों के द्वारा जो भी सेवा हो रही है और सेवा का फल निकल रहा है, वो बाप दादा की सोल प्रवेश करके हमारे अंदर कार्य कर रही है। हम वो कार्य नहीं करते। दृष्टि की पावर किसी जिज्ञासु को देनी होती है तो वो सुप्रीम सोल ही दे रहा है। उसकी दृष्टि से ही मनुष्य की शक्ति सुधरेगी। मनुष्य आत्माओं की दृष्टि तो पतित और दलील है। मूत से पैदा हुआ आदमी शक्ति को नहीं सुधार सकता। दृष्टि से शक्ति सुधरती है, लेकिन कलयुगी मनुष्यों की दृष्टि से शक्ति नहीं सुधरती। इसलिए मुरली में बोला कि एक ही पतित पावन है और कोई मनुष्य आत्मा पतितों को पावन बनाने वाली नहीं हो सकती। एक ही सर्व का सदगति दाता है और वो कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। क्या, किसका नाम लेते हैं? राम। राम का अर्थ होता है घट घट में याद के रूप में रमण करने वाला। आप वो निराकार आत्मा शिव के रूप में है, क्योंकि सारी सिद्ध तो उसी की है, लेकिन वो निराकार आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसको पहचाना जा सकता है। किसको? भगवान। भगवान इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। भगवान जो है वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है। पहले ज्ञान आता है और बाद में ज्ञान दाता आता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तो प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में वो बेसिक नॉलेज समझते हैं। वो बेसिक नॉलेज सिर्फ रटने रटने तक सीमित रहती है। उसमें गहराई का अर्थ छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते। और वो बेसिक नॉलेज माँ भी घर में बैठ करके दे सकती है। उसके लिए कोई बड़े कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही नंबरवार ब्राह्मण बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा माँ के रूप में इसलिए ही भी मिला। माँ ने सहन शक्ति पूर्वक बच्चों की पालना की और बेसिक ज्ञान रूपी ज्ञान दूध दिया। बच्चे उन महावाक्यों को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन उनका बुनियाद क्या है वो नहीं जानते। वैसे इशारा बाबा देते मुरली में, गुहते गुहरा सुनाता हूं। क्या, वो संस्कृत गीता में भी लिखा हुआ है गुहया गुहतरम ज्ञानम। इसका मतलब बेसिक नॉलेज है पूज्य नॉलेज, और उससे भी पूज्य नॉलेज कोई और है
जिसे अव्यक्त वाणी में बताया गया एडवांस वाणी, एडवांस पार्टी। तो वो ज्ञान चाहे बेसिक नॉलेज का हो और चाहे एडवांस नॉलेज का हो, वो ज्ञान इस शक्ति पर सुनाया जाएगा या कोई ऊपर के लोक में सूक्ष्म वचन में सुनाया जाएगा। कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान आता है तो भक्ति का फल ज्ञान देता है, तो जो ज्ञान का फल दिया वो ज्ञान का फल इस साकार सृष्टि पर देगा, साकार मनुष्यों का कल्याण करेगा ना, या सूक्ष्म बदलवासी फरिश्तों का कल्याण करेगा। अरे वो तो है ही फरिश्ते, फरिश्तों को तो लक्ष्य लेने की बात ही नहीं, उनके लिए तो कह दिया जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, उनका नाम फरिश्ता। तो जो आत्माएं बेसिक नॉलेज में परिपक्व होकर के ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर छोड़ती जा रही है, ब्राह्मणों की दुनिया से मोह उनका नष्ट हो गया साकार संबंधियों से, देह और देह के संबंधियों से, वो फरिश्ता बनती जा रही है। लेकिन उन फरिश्ताओं को ज्ञान देने के लिए भगवान इस सृष्टि पर नहीं आता। फरिश्ते पठित होते हैं या पावन होते हैं? पावन होते हैं। ये फरिश्ते तो दूसरे धर्म वालों में भी गाए जाते हैं, भारतवासी फरिश्तों का गायन नहीं करते, पूजन नहीं करते। भारतवासी किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं साकार हुए हैं इसलिए उनके चित्र साकार में मिलते हैं, उन चित्रों का नाम दिया जाता है मूर्ति। बीच में कानापूसी तो नहीं करना चाहिए। जो भी फरिश्ते हैं वो फर्श की दुनिया में आते तो हैं मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, लेकिन फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई लगाव नहीं होता। जैसे कोई माँ होती है ज्ञान में चलती है, उनके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो अंदर से कितनी फपफपाहट होती है कि मेरे बच्चे मेरा पति ज्ञान में चल जाए। इस तरह का मोह उन फरिश्ताओं में नहीं होता। चलेंगे तो उनकी पूजन की प्रारंभ, नहीं चलेंगे तो उनका पूर्वजन्मों का हिसाब किताब, क्योंकि वो जानते हैं बनी बनाई बन रही है, वो कछु बन नहीं ना है। क्या जो कुछ भी हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस पुरुषार्थ की जो भी प्राप्ति होनी है वो सब कुछ ड्रामा में डूब है, इसमें चिंता करने की और खुशी में आने की कोई बात नहीं। तो फरिश्तों को ज्ञान नहीं है देने के लिए, भगवान तो ज्ञान पतितों को आकर के देता है, और पतित सूक्ष्म वचन में होंगे, फरिश्तों की दुनिया में होंगे या इस साकारी शक्ति पर पतित मनुष्य होंगे? साकारी शक्ति पर पतित मनुष्य होते हैं, साकारी शक्ति मनुष्य शक्ति पर पतितों को पावर बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। 20 बार ये बात मुरलियों में आती रहती है। क्या मैं किस लिए आता हूँ? ज्ञान सुनाने के लिए। अरे ज्ञान सुनाना वो तो साधन है। क्या ज्ञान सुनाना वो तो साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है पतितों को पार करना। तो जो पतित मनुष्य आत्माएं बन चुकी है उन पतित मनुष्य आत्माओं को पावन देवता बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। जो पावन देवता नहीं बनते, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, सिर्फ फरिश्ता बनकर ही रह जाते हैं,
तो वो भगवान की बनाई हुई नई शक्ति सतयुग त्रेता में नहीं आ सकती। ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की सोल हो, भाऊ विश्व की सोल की सोल हो, मम्मा की आत्मा हो, मनमोहनी दीदी की आत्मा हो, चंद्रमणि तेरा दादी की आत्मा हो, जो भी आत्मा है बेसिक नॉलेज में परिपक्व स्टेज धारण करके शरीर छोड़ रही है, नष्टो मोहा हो करके साकार शरीरधारियों के साथ, न लोहे की जंजीर और न सोने की जंजीर, वो सात मनुष्य आत्मा है। उनको सबको पढ़ाई पढ़नी है, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन एडवांस नॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। भले एडवांस पार्टी में चली गई, चली गई का मतलब कोई ऊपर नहीं है, सिर्फ वो इस शक्ति पर साकार शक्ति पर साकार मनुष्यधारियों में प्रवेश करके पार्ट बजाएगी। जैसे सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वैसे ही वो परिस्थाई आत्मा है, अभी भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है। कोई कहे प्रूफ क्या है, तो प्रूफ तो बाबा की वाणी से ही मिल रहा है। ब्रह्मा दादा लेख राज को जो कृष्ण की सोल है उसको सूर्य का टाइटल दिया है या चंद्रमा का टाइटल दिया है? वो ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान की शीतल किरणें फैलाई है, ज्ञान सूर्य के रूप में तलशीला और तीखा पाठ नहीं बजाया। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी संपूर्ण नहीं बना, संपूर्ण चंद्रमा जब एक तरफ अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। अभी न सूर्य उदय हुआ है, इस साकार शक्ति पर अभी ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है सब धर्म वालों के सामने, और न ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा बना, अधूरा चंद्रमा है। सूक्ष्म शरीर का बंधन उनको अभी भी है, सूक्ष्म शरीर का बंधन भी खराब करके उस आत्मा को सोलह कला संपूर्ण देवता बन, वो देवता तब तक नहीं बन सकती जब तक एडवांस नॉलेज में पूरी पारंगत न हो जाए। ऊंची पढ़ाई जब तक न पढ़े तब तक ऊंचे से ऊंचा टाइटल नहीं मिल सकता। जैसे दुनिया में पीसीएस की पढ़ाई होती है, आईएएस की पढ़ाई होती है, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो ऊंची पढ़ाई पढ़कर के बनते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा बाप शिव भी सृष्टि पर आकर के ऊंचे से ऊंचा विद्यालय खोलता है, इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। गलती से आज में इसका नाम रख दिया गया था ओम मंडली, ऐसे तो ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन वो फाइनल नाम नहीं था। शास्त्रों में भी उसकी यादगार है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम, क्या ओम, क्यों पहला शब्द निकला ओम, क्योंकि शक्ति पर सुप्रीम सोल शिव जब आता है
तो ब्रह्मा के मुख से पहले पहले अपने तीन बच्चों को याद करता है। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश, आओम आओम, ये उसके तीन प्यारे से प्यारे बड़े बच्चे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना दुनिया में, तो सभी बच्चों को एक जैसा प्यार देते हैं या बड़ों बच्चों की तरफ उनका ज्यादा वो होता है? दुनिया में सभी बच्चों की तरफ एक ही जैसा प्यार होता है? अच्छा, जो बड़ा बच्चा होता है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है, या जो बाद वाले बच्चे हैं वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से जन्म लेते हैं? जो पैलोटी के बच्चे होते हैं वो ज्यादा पावर से जन्म लेते हैं। सारे जीवन की प्योरिटी पहलौटी के बच्चों में आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे इकट्ठे जन्म ले लेते, होता है ना? ऐसे यहां भी है, ये तीन बच्चे ऐसे हैं शिव के जो एक साथ जन्म लेते हैं। एक साथ सच्चरूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल शिव उनके साथ आता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनमें तड़प के दिखाई दिए हैं तीन वतन में। तीन सूक्ष्म वतन है ना, उनमें तड़प के दिखाई दिए। भले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं फिर भी एक के बाद एक पैदा होते हैं कि दोनों इकट्ठे पैदा हो जाते हैं? एक एक सेकंड का अंतर तो होगा ना। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी सृष्टि पर आता है। तो जो ज्ञान का बीज आरोपण करता है सुप्रीम सोल शिव, ज्ञान का बीज आरोपण करेगा या भक्ति का बीज आरोपण करेगा? भगवान आकर के भक्ति का बीज आरोपण करेगा। अगर भगवान आकर के भक्ति का बीज आरोपण करे तो मुरली ने यो क्यों कहा कि भक्ति रावण से आती है और ज्ञान राम भगवान से आता है? तो जैसे ही सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है तो ज्ञान का बीज आरोपण करता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा बीज आरोपण करता है वो पुरुष होता है। क्या? ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला पुरुष होता है, कोई स्त्री चोला नहीं होता। पुरुष के द्वारा ज्ञान का बीज आरोपण करता है इसलिए उसको पिता कहा जाता है। भक्ति मार्ग का जो प्रसिद्ध शास्त्र है गीता, उसमें भी लिखा है आम बीज पटक पिता। क्या? मैं इस सच्चरूपी रंगमंच पर सच्चरूपी वृक्ष का बीज आरोपण करने वाला पिता हूं। ज्ञान का बीज मैं बोता हूं। तो यज्ञ के आज में ज्ञान का बीज बोया, उस ज्ञान के बीज को किसने धारण किया और निभाया मृत्यु पर्यंत तक, और कौन बीच में चला गया? क्या तीन मूर्तियों के साथ तो आता हूं लेकिन तीन मूर्तियों में किसने उस ज्ञान के बीज को धारण किया और धारण करके अंत तक मृत्यु पर्यंत तक निभाया, वो कौन था? कौन? ब्रह्मा, शिव, शिव बाबा। दादा लिख रहा है प्रजापिता ने धारण किया, वो सही छोड़ के नहीं चला गया।
यज्ञ के आज में बताया कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कभी ये मुरली में बोला कि राम बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बाप को कहा जाता है? कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। माने सृष्टि के आज में राम की भी आत्मा थी और कृष्ण की भी आत्मा थी। पहले बाप हो गया, पहले बच्चा होगा? पहले बाप होता है। बाप होगा तो बाप के साथ से माता भी होनी चाहिए। माताएं परिवार में दो होती है, एक बड़ी अम्मा, एक दादी अम्मा और एक छोटी अम्मा। तो जब त्रिमूर्ति बाप आते हैं तो भी ये तीन आत्माएं मौजूद थी। मन ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए लेकिन साक्षात्कार से वो कुछ समझ नहीं सके, ऐसी बात मुरली में आई। वो मुझ गए, अपने गुरु से पूछने लगे, सत्संग वाले गुरु से, कि इनका अर्थ बताओ क्या मतलब है। गुरु मुझ गया, गुरु से कहा तुम चलते बनो, खुद ही उसको छोड़ करके वाराणसी में आ गए। सोचा कि बड़े बड़े विद्वान आचार्य जो है वाराणसी में रहते हैं, काशी में, काशी के विद्वान बहुत प्रसिद्ध हैं, उनसे जाकर पूछ लो। तो वहां जिस मकान में रहते थे, मुरली में आया है कि गोले आदि के चित्र बनाते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था। और विद्वान आचार्यों से भी पूछा, उनसे कोई जवाब नहीं मिला। ये बातें मुरली में आई है कि नहीं आई? फिर जब वहां भी उनको समाधान नहीं मिला तो गुरुओं से उनकी पूरी श्रद्धा उठ गई। उन्होंने अपने अनुभवी जीवन में जिस व्यक्ति को सबसे जास्ती होशियार और भोला भाला स्वभाव का सच्चा और साफ दिल व्यक्ति समझा, वो था उनका भागीदार। जिस भागीदार के ऊपर वो अंत समय में अपनी सारी दुकान का बोझ छोड़ करके और सिंध हैदराबाद में सत्संग में चले गए थे कि हम तो सत्संग करेंगे, इस धंधे धोड़ी में हमारा मन नहीं लगता। ये ज्ञान में आने से पहले की बात है, इसलिए मुरली में बोला कि 10 वर्ष से रहने वाला माना कोई व्यक्ति था जो बाबा के ज्ञान में आने से पहले ही 10 वर्ष से उनकी दुकान में काम करता था। 10 वर्ष से साथ में रहने वाला फिर बोला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ढिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे, हम मन कौन, मम्मा बाबा, मम्मा बाबा समझते थे कि ये तो बहुत ऊंचा नंबर में आ गई। वो बच्चे भी आज यज्ञ में है नहीं, कहां चले गए? कहां चले गए? फेल हो गए। वो बच्चे फेल हो गए, फेल हो गए माना फाइनल में फेल नहीं हो गए, छमाही तिमाही मासिक परीक्षा में फेल हो गए। अच्छा, फेल हो जाएंगे या जो फेल हो गए अब उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है? वो संस्कृत की गीता जो विद्वान आचार्य मनुष्यों ने लिखी हुई उसमें तो लिखा हुआ है
कि ईश्वरीय ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। अच्छा उसकी गीता की बात छोड़ दो, मुरली में क्या लिखा है इस बारे में कि ये अविनाशी ज्ञान है। इस ज्ञान को जितने भी एक बार धारण कर लिया वो भले शरीर भी छोड़ जाए तो भी अगले जन्म में उस ज्ञान की प्रारब्ध उसके साथ जाएगी। अंत में वो ब्राह्मण बन करके आएंगे और लास्ट सो फास्ट जाओगे। वो ब्राह्मण बने की प्योरिटी की जो पावर है, जो परमात्मा से उन्होंने धारण की, वो समाप्त नहीं हो सकती, अविनाशी चीज है। तो वही आत्मा है, वही त्रिमूर्ति आज में जो थी, जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर में अम्बाला में आएंगे। फिर बोला वो भी गुम हो गए। किस लिए गुम हो गए? इसलिए गुम हो गए कि जो बच्चा था ना, वो कृष्ण बच्चा था उस समय जिसको साक्षात्कार हुए, वो कृष्ण बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। यज्ञ के आगे में क्या स्वर्ग का वर्षा था या ज्ञान का वर्षा था? काय का वर्षा था? ज्ञान का वर्षा था। वो ज्ञान का फाउंडेशन ब्रह्मा की सोल में पक्का पक्का पड़ गया। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार उनको हुए थे जिस त्रिमूर्ति के साथ शिव आता है, उनको साक्षात्कार नहीं हुए थे। तो जिसको प्रैक्टिकल अनुभव होगा उसकी बुद्धि में ज्यादा गहराई में बात बैठेगी। तो वो तीनों मूर्तियां यज्ञ के आदि में 10 वर्ष के अंदर चली गई। कौन? ब्रह्मा की मूर्ति, प्रजापिता ब्रह्मा की, विष्णु और शंकर। तीनों मूर्तियां जाने के बाद क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में पाठ बजाया, क्योंकि बेसिक नॉलेज माँ के द्वारा मिलती है। वो माँ अंत तक उसने मृत्यु पर्यंत तक साथ निभाया और वो वेदवाणी उनके मुख से उच्चारण हुई। क्या वेदवाणी उनके मुख से उच्चारण हुई? किनके मुख से? ब्रह्मा बाबा के मुख से। लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, तुलसीदास के दोहे कवित्त चौपाइयां पढ़ते हैं, सूरदास के कवित्त पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका गहराई से अर्थ नहीं जानते। उसी तरीके से न ब्रह्मा बच्चे की बुद्धि में आया, सत्य सोल बस ब्रह्मा बच्चा है। मुरली में बोला है इन ब्रह्मा का नाम शिव बाबा ने बेबी रखा है। क्या नाम रखा? बेबी। बेबी मन दाढ़ी मूछ वाला बच्चा था वो। अरे उनकी सफेद मूछें हो चुकी थी, सफेद बाल हो चुके थे, वो बेबी था। क्यों कहा बेबी? हाँ माने जितनी बात शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दी बस उतनी ही बात उन्होंने समझी, उसके आगे कुछ भी नहीं समझा। इसलिए मुझे में बोला है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अभी जो ज्ञान सुनाए रहे हैं तुम बच्चे सुन रहे हो, इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। शास्त्रों में गायन है कि सागर मंथन हुआ तो मंथन होने के बाद अमृत कलश निकला, कि पहले ही निकला है अमृत
निकलता ही तब है, तार निकलता ही तब है, मक्खन निकलता ही तब है जब दूध या दही को गिरोया जाए, मथा जाता है। तो कल अक्सर तक ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया वो ज्ञान अमृत नहीं था। क्या? वो कच्चा दूध था, दही था, मक्खन बाहर नहीं आया, वो बेसिक नॉलेज थी, रटने और रटाने की नॉलेज थी। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद क्या ब्राह्मणों की दुनिया में सत्य रूपी रघुमंच खाली हो गया क्या? ये संसार रूपी जंगल है जिसकी यादगार में आज भी झंडे में तीन शेर दिखाए जाते हैं, नोटों में तीन शेर दिखाए जाते हैं, जो कोर्ट के स्टाम्प पेपर होते हैं उनमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं। वो झंडे के लिए कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ये हमारा झंडा है। तो क्या कपड़े का झंडा होता है विश्व विजय कराता है, या कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है? ये चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन तीन के द्वारा सारी शक्ति के ऊपर विश्व विजय होती है। अभी हुई नहीं है और ये तीनों मूर्तियां कोई ऊपर नहीं चली गई है सूक्ष्म बतन में, इसी शक्ति पर मौजूद है। ये तीन मूर्तियों का ज्ञान रूपी धागा जो अपने कंधे पर धारण कर लेगा वो पक्का ज्ञानी द्विज कहा जाता है। द्वि माने दूसरी बार, ज माने जन्म। क्या ये एडवांस नॉलेज है? तीन मूर्तियों की पूरी पहचान जिसकी बुद्धि में बैठ जाती है वो है पक्का पक्का द्विज। द्विज माने दूसरी बार जन्म लेने वाला। ऐसे नहीं कि लौकिक माँ बाप से शरीर का जन्म लिया वो पहला जन्म हो गया और फिर बेसिक नॉलेज में आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो जन्म मिला वो द्विज हो गए। नहीं, यहाँ दोनों जन्म अलौकिक है। एक जन्म मिलता है बेसिक नॉलेज में और दूसरा जन्म मिलता है एडवांस नॉलेज। बेसिक नॉलेज में जो जन्म मिलता है वो ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। भले यदि के आज में प्रजापिता भी मौजूद था लेकिन बाद में सभी ब्राह्मणों से प्रजापिता को भूल गए। सन 66 की मुरलियों में शिव बाबा ने फिर से याद दिलाया कि तुम जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखते हो चित्रों में पोस्टरों में और जो सेंटर का बोर्ड लगाते हो उसमें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। और ये बात ब्रह्मा के मुख से तब बोली गई, तब उनकी बुद्धि में बैठी जब मम्मा ब्रह्मा बाबा से अलग हो गई। मम्मा बीमार हो चुकी थी, लंबे समय तक बंबई हॉस्पिटल में पड़ी रही। तो यज्ञ को संभालने वाली कोई माता निमित्त रूप में नहीं रही और आपाधापी हो गई। ढेर सारी माताएं बनकर के बैठ गई। बाबा ने सोचा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये तो सारे के सारे मेरे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। उनकी बुद्धि में बैठ गया यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था, क्यों
वही श्रेष्ठ व्यक्ति था। हट से उनकी बुद्धि में ये बात आई और मुरली में ये बात तो बोलना शुरू कर दिया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना, रंग क्या लिखना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय। और तुम बच्चों को भी अपना टाइटल देना चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अगर सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कुमारी कहेंगे तो कोई सुनेगा तो कहेगा ये क्या बात है, ये अम्मा का नाम बताता है और बाप का नाम नहीं बताता, कुछ गड़बड़ है। तो ये ठीक नहीं, तुम दोनों का नाम बताओ, बाप का भी नाम बताओ और माँ का भी नाम बताओ। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। बस उस समय से लेकर के चित्रों में जो बड़े बड़े 30x40 इंच के चित्र थे उनमें छपाया जाने लगा। प्रूफ के लिए वो चित्र अभी भी मौजूद मिलेंगे कहीं न कहीं पुरानी गीता पाठशालाओं में, जिनमें सीढ़ी के चित्र में और लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो सन 66 के बाद बने थे उनमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। और जो चित्र है त्रिमूर्ति गोला और झाड़ के चित्र 60-61 में तैयार हुए थे उनमें लिखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो माँ और बाप दोनों मिलकर के जब गृहस्थी का कार्य करते हैं चलाते हैं तो गृहस्थी अच्छी चलती है। ये भी बेहद के माँ और बाप हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं, कृष्ण की सोल है माँ के रूप में पाठ बजाने वाली और राम की सोल है बाप के रूप में पाठ बजाने वाली। जो यज्ञ के आज में राम की आत्मा थी फेल हो गई चली गई, वो दोबारा फिर यज्ञ में आती। ये संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली नहीं रहता। एक ब्रह्मा रूपी शेर दादा लेखराज गया तो दूसरा शेर सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में मौजूद हो जाता है, आ जाता है। तो एक हुआ शेर एक हुई शेरनी। ये तीन शेर हैं, तीसरा शेर है विष्णु जो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। अब ये तीनों शेरों की प्रत्यक्षता होने वाली है, टाइम पूरा हो गया 30-33 साल ब्रह्मा के सन अर्थक में पूरे हुए, 30-33 साल शंकर के 2004 में पूरे हुए और 30-33 साल विष्णु के जो अभी प्रत्यक्षता होने वाली है। तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है और संसार में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगता है। ओम शांति।